हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपनी पीसी पर किस तरीके से अपनी हार्ड डिस्क को श्रिंक कर सकते हैं या उसको पार्टीशन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो आपको क्या करना है, अपने पीसी में आ जाना है और अपने दिस पीसी पे क्लिक करना है और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर लोकल डिस्क और न्यू वॉल्यूम हमारे पास एक डी पड़ी है और एक जी पड़ी है। तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करके आपको क्या करना है, इस कंप्यूटर इस पे क्लिक करना है, ठीक है। ऊपर यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है कंप्यूटर और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है मैनेज। आपको क्या करना है, इस मैनेज पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब मैनेज पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे और आपको यहाँ पर डिस्क मैनेजमेंट पर क्लिक करना है, ठीक है। ये पड़ा है डिस्क मैनेजमेंट और इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक जैसे ही करेंगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं और आपको क्या करना है, जिस भी लाइक सी को अगर पार्टीशन करना चाहते हैं तो आप इसको इस पे क्लिक करें, अगर डी को पार्टीशन करना चाहते हैं तो आप इसको करें। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ राइट क्लिक, और जैसे ही राइट क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे श्रिंक वॉल्यूम का ऑप्शन आ रहा है। आपको क्या करना है, इस श्रिंक वॉल्यूम पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको बोला है कि इतनी आप MB जो है वो श्रिंक कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, जितने की आप चाहते हैं, अगर 10 GB की चाहते हैं तो आप 10 GB यहाँ पे आके लिखें। पहले आपको कैलकुलेट करना गया होगा कि कितनी GB मतलब बनती है, तो GB to MB आपको क्या करना है, गूगल पे जाकर सर्च करना है। तो मुझे 10 GB की और पार्टीशन चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ इसको पार्टीशन करता हूँ। तो 10 GB जो मेरी बनती है वो 10,000 MB बनती है, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर कापी करता हूँ, कापी करने के बाद मैं सीधा यहाँ पर आ जाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं पेस्ट करने के बाद यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको श्रिंक पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पे 9.77 GB फ्री स्पेस, तो ये मेरी एक बन गई है, लेकिन मैं इसको अभी तक यूज़ नहीं किया, ठीक है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर राइट क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद न्यू सिंपल वॉल्यूम, ठीक है। अब मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद मैं यहाँ पर इसको क्या कर देता हूँ, यहाँ पे इसको नेक्स्ट कर देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे ई आ रहा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आप कोई भी नाम इसका रख सकते हैं, मैं जेड रख देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ और नेक्स्ट कर देता हूँ, उसके बाद फिनिश कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं मुझे कह रहा है कि ये आपकी जो न्यू वॉल्यूम जेड है ये पार्टीशन हो गई है। तो ये था आज का ट्यूटोरियल, आप देख सकते हैं ये मेरे पास न्यू वॉल्यूम जेड आ गई है, ठीक है। तो इसको मैंने पार्टीशन कर दिया है, अब मैं इसमें कोई भी चीज़ें अपनी रख सकता हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।